कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका अभी हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। दूसरा भाग है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि एस स्क्वेयर के साथ वाले नंबर को और बिना एक्स वाई जेड वाले नंबर को गुना कर दो। मैंने 4 और 1 को जब गुना किया तो आया 4, प्लस इंटू प्लस आया प्लस, इसके साथ प्लस का निशान है, ये भी आपने याद रखना है। अब सबसे पहला जो काम है वो ये होता है कि ये जो गुना करके आया प्लस 4, 4 के फैक्टर निकालो। एक होता है 1 गुना 4, 1 के पहाड़े में 4 आएगा, और दूसरा है 2 गुना 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमारे पास बीच में जो संख्या है वो है 4, वो है 4, इसका मतलब इनमें से किसको प्लस या माइनस करके 4 आएगा। देखो 4 को 1 प्लस करेंगे तो 5, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 2 में 2 को प्लस करेंगे तो 4 आ रहा है। इसका मतलब हमें ये वाला जोड़ा नहीं चाहिए, पेयर नहीं चाहिए, हमें ये वाला पेयर चाहिए, ठीक है। तो इसके अब हम इसका गुणन खंडन करेंगे। देखो कैसे, पहली रकम को ऐसे ही लिखते हैं 4s², आखिरी रकम को भी ऐसे ही लिख देंगे प्लस 1। बीच वाली इस रकम की जगह पर मैं ये जो जोड़ा हमने लिया 2 और 2, इन्हीं को दोबारा दोबारा लिखूंगा, इनके साथ ऊपर s है तो दोनों के साथ s लगा दूंगा। अब हमने कहा था यदि यहां पर प्लस होगा तो इसके निशान सेम, इन दोनों के निशान सेम होंगे, यदि माइनस होगा तो इन दोनों के निशान अलग अलग भिन्न होंगे। अब यहां प्लस है, इन दोनों के निशान सेम होंगे, यानी दोनों के साथ या प्लस आएगा या माइनस, क्या आएगा यहां से देखो, यहां माइनस है इसका मतलब दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। अब हम इसे हल करेंगे, देखो कैसे। अब इसमें क्या करना होता है, पहली दो रकमों का अलग जोड़ा बना लो और आखिरी दो रकमों का अलग जोड़ा बना लो। अब हम इसमें से देखेंगे कि क्या कॉमन आ सकता है। देखो ये 4 है, ये 2 है, ये दोनों ही 2 के पहाड़े में जाएंगे, यहां भी ऐसा है, यहां भी ऐसा है, यहां 2 ऐसा है, यहां 1 ऐसा है, इसका मतलब 1 एस कॉमन आ जाएगा। तो 4s², इसमें से जब 2s कॉमन लिया तो 2 से 2 कट के आ गया 2, और s से 1s कट गया, बच गया 2s, तो अंदर बचा 2s, माइनस, माइनस का निशान था माइनस, 2s में से 2s ही बाहर कॉमन चला गया तो बाकी बच गया 1। अब यहां है 2s - 1, लेकिन यहां है -2s + 1, इसको सेम करने के लिए हम इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे। तो -2s में से माइनस कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया +2s, +1 में से -1 कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया -1। अब देखो यहां पर भी 2s - 1 और 2s - 1 सेम है, ये सेम ही आने चाहिए, तो इस 2s - 1 को मैं ले लेता हूं अब कॉमन, क्या ले लेता हूं कॉमन। अब ध्यान से देखना बच्चों कि पहली रकम है ये, इसमें से ये वाली जो ब्रैकेट थी 2s - 1, इसको तो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, ये बच गया 2s, तो इसे मैं एक अलग ब्रैकेट में 2s लिख दूंगा। इसी प्रकार से आप यहां देखेंगे, इसमें से 2s - 1 बाहर चला गया तो बाकी क्या बच गया है -1, तो 2s - 1 × 2s - 1 हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, अब हम इन दोनों को 0 के, ये नहीं है, बराबर रखेंगे। तो यहां से देखो 2s बराबर 0 में 1 इधर माइनस हो रहा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो s बराबर 1, 2 इधर गुना हो रहा, उधर जाके हो जाएगा भाग। ऐसे ही यहां पर भी सेम होगा, 1 इधर माइनस हो रहा, उधर जाके हो जाएगा प्लस, 2 इधर गुना हो रहा तो उधर जाके हो जाएगा भाग। तो s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, हमारे पास 2 शून्यक आ गए, हमारे पास 2 शून्यक आ गए। अब हमें आगे करनी है इनके संबंध के सत्यता की जांच, ठीक है। तो हम लिखते हैं गुणांकों और शून्यकों में संबंध, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग, यदि आपको याद हो तो इसका फार्मूला है -b/a। बेटा ये फार्मूला याद रखना, शून्यकों के योग का फार्मूला है -b/a। तो -b/a के लिए देखो आप, हमारे पास जो बहुपद था वो था 4s² - 4s + 1, इसको मैं कंपेयर करता हूं
एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो स्क्वेयर वाली चर के साथ जो लिखा है वो ए है, तो ए आ गया चर। एक्स के साथ है बी, एक्स के साथ या एस के साथ है -4, तो बी आ गया -4। बिना एक्स वाली रकम है सी और बिना एक्स वाली रकम है 1, तो सी आ गया 1। इनको आपस में मिलाकर मैंने ए बी सी निकाला है, एक्स की जगह पर एस था, बस इतना ध्यान रखना। तो इस हिसाब से शून्य को का योग है -b/a। बी कितना है -4। पहले तो ये वाला माइनस लगाया मैंने, ये माइनस कहां से आया, ये फॉर्मूले। उसके बाद लिखना है बी, बी कितना है -4, तो बी की जगह लिख दिया -4। दो निशान इकट्ठे ना हो इसलिए ब्रैकेट। बटा ए, ए कितना है 4। ये रफ वर्क है मेरा, तो इसको देखते हैं। माइनस इंटू, ये 4 से 4 कट के आ गया 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू 1 1, तो ये 1 के बराबर आ गया। अब वैसे शून्यकों का योग शून्य कितने हैं, यदि वैसे आप देखें तो हमारे पास जो शून्य थे वो थे 1/2 और 1 1/2, 1/2 और 1/2। शून्यकों का योग यही होता है ना, ठीक है। तो 1/2 में 1/2 प्लस करो, आधे में आधे प्लस करा तो हमारे पास आ गया 1, आधे में आधा प्लस किया तो हमारे पास आ गया 1। ये तो पता ही दिख ही रहा है सामने, नहीं तो हम इसका लघुत्तम लेके इसको हल कर लेते। तो अब देखो शून्यकों का योग यहां भी आ रहा 1, फार्मूले के हिसाब से भी आ रहा 1, तो ये दोनों सेम है, बराबर है। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का जो फार्मूला है वो था C/A। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक ये शून्यकों का योग बी -b/a है और शून्यकों का गुणनफल C/A है, ये आपको याद रखना है। तो C/A देखो यहां से सी कितना है 1, ए कितना है 4, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल फार्मूले के हिसाब से आया 1/4। अभी हम शून्यकों को गुना करके देखते हैं। पहला शून्य देखो यहां से क्या आया था 1/2, दूसरा कितना आया था 1/2, तो दोनों को आपस में गुना कर दो। 1/2 × 1/2, 1 को 1 से गुना करा 1, 2 को 2 से गुना किया 4, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से नीचे वाली रकम, नीचे वाली रकम से गुना हो गई 1/4। तो यहां पर भी आप देखेंगे शून्य के 1/4 है और यहां भी शून्य के 1/4 है, सॉरी गुणनफल 1/4 है। इसका मतलब योग भी सेम आया है, गुणनफल भी सेम आया है। इसका अर्थात यह है कि संबंध सत्यापित हुआ। यदि आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को नहीं अगर समझ आए तो थोड़ा सा बार 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 ध्यान से देखना और इस प्रकार से अपने सम्स को करना। थैंक यू।